नमस्कार। आज की इस खास पेशकश में मैं ऐश्वर्या आप सभी का स्वागत करती हूं, जहां आप देख रहे हैं देश प्रदेश और दुनिया से जुड़ी कुछ खास खबरें। महाराष्ट्र की राजनीति में बड़ा भूचाल आया है और सभी तरह के समीकरणों के कयास लगाए जा रहे हैं। इसी बीच सूरत से नागपुर पहुंचे शिवसेना के विधायक नितिन देशमुख ने आरोप लगाया है कि उन्हें सूरत के होटल में कैद करके रखा गया था, तो कयास ये भी लगाया जा रहा है कि एकनाथ शिंदे दरअसल उद्धव ठाकरे का ही काम कर रहे हैं। दरअसल उद्धव ने महाविकास आघाड़ी से निकलने का फैसला कर लिया है। वहीं शिवसेना के बागी नेता एकनाथ शिंदे ने दावा किया है कि अभी उनके पास 46 से ज्यादा विधायकों का समर्थन है। तो उधर खबर है कि उद्धव सरकार विधानसभा भंग करने की तैयारी कर रही है। शिवसेना नेता संजय राउत के एक ट्वीट ने इस बात का इशारा कर दिया है। इस बीच शिंदे को राजनीति के दांव पे सिखाने वाले आनंद दिघे की भी लोगों को याद आने लगी है। प्रदेश की इन पांच बड़ी खबरों को विस्तार से जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। सूरत से नागपुर पहुंचे शिवसेना के विधायक नितिन देशमुख ने आरोप लगाया है कि उन्हें सूरत के होटल में कैद करके रखा गया था। इससे पहले शिवसेना में अपने मुखपत्र सामना में लिखा था कि शिवसेना के विधायकों को सूरत में गुजरात पुलिस ने पीटा है, वे मुंबई आना चाहते थे लेकिन गुजरात पुलिस उन्हें पकड़कर सूरत ले गई। यह भी लिखा कि विधायक नितिन देशमुख को इतना मारा गया कि उन्हें दिल का दौरा तक पड़ गया, जिसकी वजह से उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था। नितिन देशमुख ने आगे कहा कि पुलिस मुझे जबरदस्ती अस्पताल ले गई थी, मुझे किसी तरह का कोई हार्ट अटैक नहीं आया था, पुलिस के लोगों ने मुझे अस्पताल में भर्ती करा दिया था। जिस वक्त मैं अस्पताल में गया उस वक्त मुझे 20 से 25 लोगों ने पकड़ लिया था, मुझे अगवा किया गया था, मुझे सूरत में कैद करके रखा गया था। मैं उद्धव ठाकरे का शिवसैनिक हूँ, मैं मेरे घर को जा रहा हूँ, रात को 12 बजे निकला हूँ, मैं रास्ते पर खड़ा था, 100 से 200 पुलिस खड़े थे, उसके बाद पुलिस वाले मुझे अस्पताल ले गए, एक ऐसा नाटक रचा कि मेरे को अटैक आ गया था। इससे पहले मंगलवार को नितिन देशमुख की पत्नी ने गुमशुदगी की शिकायत दर्ज कराई थी। महाराष्ट्र के अकोला जिले के बालापुर से शिवसेना विधायक देशमुख की पत्नी प्रांजलि देशमुख ने जिले के सिविल लाइंस पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई थी। कयास लगाया जा रहा है कि एकनाथ शिंदे दरअसल उद्धव ठाकरे का ही काम कर रहे हैं। दावा किया जा रहा है कि उद्धव ने कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के साथ बनाई महाविकास आघाड़ी से निकलने का फैसला कर लिया है, क्योंकि वो मराठा छत्रपति और एनसीपी चीफ शरद पवार से सीधे सीधे बैर मोल लेना नहीं चाहते हैं। इसलिए उन्होंने शिंदे के जरिए एक दीवार खड़ी कर दी। इस थियरी में बीजेपी की भूमिका तू चल मैं आई वाली बताई जा रही है। कहा जा रहा है कि बीजेपी ने शिवसेना से पहल करने की हरी झंडी दी तभी यह खेल हुआ। इस दावे में कितना दम है यह भी देखने वाली बात होगी। अगर शिवसेना और बीजेपी ने मिलकर नई सरकार बना ली तो स्वाभाविक है कि शिंदे की आड़ में आघाड़ी को ही जमीन सुंघाने की साजिश रची गई। इसलिए शिंदे की आड़ में एक कहानी बनाई जा रही है कि शिवसेना रास्ते से भटक गई है। आरोप लगाए जा रहे हैं कि शिवसेना ने सत्ता में आते ही संयम खो दिया, उसने उसी हिंदुत्व को हल्के में ले लिया जिसके दम पर न केवल बालासाहेब ठाकरे ने हिंदू हृदय सम्राट का गौरव प्राप्त किया बल्कि उद्धव ठाकरे सत्ता की कुर्सी तक पहुंच गए। हिंदुत्व को हल्के में लेना शिवसैनिकों को ही अखरने लगा। जब संयम ने सीमा लांघी तो तूफान आ गया। इस तूफान को निमंत्रण देने वाला कौन है, इसे लेकर सियासी हलकों में चर्चा तेज है और कुछ लोगों को तो यह कहते भी सुना जा रहा है कि उद्धव ठाकरे ने भी अब राजनीति सीख ली है। शिवसेना के बागी नेता एकनाथ शिंदे ने दावा किया है कि अभी उनके पास 46 से ज्यादा विधायकों का समर्थन है। उन्होंने कहा कि ये सभी विधायक शिवसेना और सहयोगी दल के विधायक हैं। आगे का फैसला विधायकों के साथ बैठक के बाद तय किया जाएगा। चैनलों से बातचीत के दौरान उन्होंने दोहराया कि हम बालासाहेब ठाकरे की हिंदुत्व की विचारधारा को आगे लेकर जाएंगे। मेरी विधायकों से बात हुई है, उद्धव से इसी बारे में बात हुई है, क्या हम बीजेपी के स्टेट में क्यों नहीं जा सकते, हम खुद यहाँ आए हैं। शिंदे ने उद्धव ठाकरे की पत्नी रश्मि ठाकरे से बातचीत की, बात स्वीकार करते हुए कहा कि मेरी उनसे बात होती रहती है, कल भी हुई है। वही एनसीपी कांग्रेस से अलग होने के सवाल पर शिंदे ने कहा कि हम हिंदुत्व की विचारधारा का समर्थन करते हैं और अपने समर्थक विधायकों के साथ बैठक करके आगे की रणनीति तय करेंगे। इस बीच कभी शिवसैनिक रहे और अब बीजेपी के राज्यसभा सांसद नारायण राणे ने तो इस खेल में अपनी पार्टी का हाथ होने से इनकार कर दिया है। हालांकि सहमत की राजनीति में हकीकत से कतराना भी शतरंजी चाल की ही निशानी होता है। कहा तो यही जा रहा है कि बीजेपी की हाँ पर ही एकनाथ शिंदे ने ठाकरे के सामने पत्ते खोलने की हिम्मत जुटाई। इस संभावना में इसलिए भी दम दिख रहा है कि शिंदे ने शिवसेना के दो चार नहीं करीब दो तिहाई विधायकों को तोड़ लिया। महाराष्ट्र में जारी सियासी संकट के बीच उद्धव सरकार विधानसभा भंग करने की तैयारी कर रही है। शिवसेना नेता संजय राउत के ट्वीट ने इस बात का इशारा कर दिया है। बागी मंत्री एकनाथ शिंदे के साथ गए विधायकों का समूह असम में टिका हुआ है। इधर महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी और खुद सीएम उद्धव कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं।
राज्यपाल को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। आज शाम को अगर उद्धव सरकार विधानसभा को भंग करने की सिफारिश करती है तो संभव है कि आगे का फैसला होने में देरी हो, क्योंकि राज्यपाल अस्पताल में है। कुछ समय बाद पहली संभावना यह बनती है कि बड़े ही सरल तरीके से गवर्नर कोश्यारी उद्धव की बात मानकर विधानसभा भंग कर दे। हालांकि जिस तरह से मुंबई, सूरत और गुवाहाटी एक हो गया है, इसकी संभावना कम ही दिखाई पड़ती है। किसी भी स्टेट के राज्यपाल को संविधान में यह अधिकार दिया गया है कि वह 5 साल के पहले विधानसभा को भंग कर सकते हैं। इसके बाद विधायकों का पद समाप्त हो जाता है और उनके वेतन भत्ते उसी तारीख से बंद हो जाते हैं। विधानसभा भंग करने की वैसे तो कई दशाएं हैं, लेकिन महाराष्ट्र संकट को देखते हुए प्रासंगिक परिस्थिति यह है कि अगर राज्य में चल रही गठबंधन सरकार अल्पमत में आ जाए और अन्य दलों के पास सरकार बनाने के लिए जरूरी बहुमत नहीं हो, तो इस स्थिति में राज्यपाल नए चुनाव के लिए राज्य की विधानसभा को भंग करने का फैसला कर सकते हैं। शिवसेना नेता और सरकार में मंत्री एकनाथ शिंदे के बगावती कदम ने महाराष्ट्र की राजनीति में भूचाल ला दिया है। इस समय लोगों का बड़ा सवाल यह है कि शिंदे ने राजनीति के दावपेच कहाँ से सीखे। दरअसल उन्हें जिन्होंने यह सब सिखाया वे ठाणे के ठाकरे हैं। नाम है आनंद दिघे। शिंदे दिघे के शागिर्द है। मंगलवार को सूरत पहुंचने के बाद शिंदे ने भी अपने ट्वीट में बालासाहेब ठाकरे और आनंद दिघे का जिक्र किया। महाआघाड़ी सरकार में जब उन्होंने मंत्री पद की शपथ ली तब भी उन्होंने दिघे का जिक्र किया था। तो बता दें कि शिवसेना में आनंद दिघे का कद इतना बड़ा था कि उन्हें लोग ठाणे का ठाकरे कहते थे। बालासाहेब ठाकरे के बाद उन्हें शिवसेना का सबसे कद्दावर और दबंग नेता कहा जाता था। 27 जनवरी 1951 को जन्मे दिघे पर शिवसेना के कार्यकर्ता की हत्या का आरोप लगा था। इसकी वजह से वे शिवसेना से नाराज भी थे। बाद में उन्होंने कई मौकों पर कांग्रेस का साथ दिया। उन्हें टाडा के तहत भी गिरफ्तार किया गया था। बाद में जमानत पर रिहा हुए। साल 2001 के अगस्त महीने में कार एक्सीडेंट में वे घायल हो गए थे। इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। शिवसेना ने आरोप लगाया था कि इलाज में लापरवाही के कारण उनकी मौत हुई। नाराज कार्यकर्ताओं ने पूरे अस्पताल को आग के हवाले कर दिया था। कहा जाता है कि दिघे दबंग नेता होने के साथ साथ दयालु भी थे। वे जनता की मदद के लिए हमेशा आगे रहते थे। इसी वजह से शिवसैनिकों ने उन्हें धर्मवीर का नाम दिया था। महाराष्ट्र की राजनीति में भूचाल के सूत्रधार एकनाथ शिंदे ने राजनीति का कहरा दिघे से ही सीखा। देश भर में अब राष्ट्रपति चुनाव को लेकर गहमा गहमी बनी हुई है। 64 वर्षीय द्रौपदी मुर्मू देश की अगली राष्ट्रपति हो सकती है, यह लगभग तय है, क्योंकि बीजेपी नेतृत्व वाले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन ने उन्हें सर्वोच्च पद का उम्मीदवार बनाया है। तो खुद उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू आज ओडिशा के मयूरभंज स्थित रायरंगपुर जगन्नाथ मंदिर पहुंची और पूजा अर्चना की। उन्होंने यहाँ मंदिर परिसर में पहले झाड़ू लगाया, उसके बाद माथा टेका। वही पूर्व केंद्रीय मंत्री व झारखंड के हजारीबाग से भाजपा सांसद जयंत सिन्हा ने राष्ट्रपति चुनाव में विपक्ष के साझा प्रत्याशी व अपने पिता यशवंत सिन्हा को वोट देने को लेकर असमंजस खत्म कर दिया है। इस बीच दक्षिण पश्चिम मानसून ने देश के अधिकतर राज्यों में दस्तक दे दी है, तो उधर देश में कोरोना तेजी से अपने पैर पसार रहा है। सक्रिय मरीजों की संख्या 81,000 के पार हो चुकी है। देश भर की इन 5 बड़ी खबरों को विस्तार से जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। 64 वर्षीय द्रौपदी मुर्मू देश की अगली राष्ट्रपति हो सकती है, यह लगभग तय है, क्योंकि बीजेपी नेतृत्व वाले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन ने उन्हें सर्वोच्च पद का उम्मीदवार बनाया है। ऊपर से विपक्ष की कुछ पार्टियां भी समर्थन में आ गई है। मुर्मू की उपलब्धियों पर नजर डालें तो पता चलता है कि राष्ट्रपति पद की उम्मीदवारी के लिए उनका संथाली महिला होना ज्यादा मायने रखता है। मुर्मू जीत गई तो राष्ट्रपति भवन पहुंचने वाली वो पहली आदिवासी महिला होंगी, वो भी पूर्वी भारत से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब उनके नाम पर सहमति जताई होगी तब निश्चित रूप से ये समीकरण उनके दिमाग में घूम रहे होंगे। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने एक मुस्लिम APJ अब्दुल कलाम को राष्ट्रपति भवन भेजा था, और अब नरेंद्र मोदी ने पहले एक दलित रामनाथ कोविंद और फिर अनुसूचित जनजाति की द्रौपदी मुर्मू को कार्यपालिका के सर्वोच्च पद पर प्रतिष्ठित कर रहे हैं। ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर की रामादेवी कॉलेज से आर्ट्स ग्रेजुएट द्रौपदी ने सिंचाई विभाग में क्लर्क की नौकरी की। उसके बाद वो शिक्षक बन गई। बाद में उन्होंने राजनीति ज्वाइन कर ली। द्रौपदी मुर्मू 2 बार विधायक बनकर ओडिशा विधानसभा पहुंची और 2007 में उन्हें सर्वोत्तम विधायक का नीलकंठ अवार्ड से सम्मानित किया गया। मुख्यमंत्री नवीन पटनायक की पार्टी बीजू जनता दल और भारतीय जनता पार्टी की गठबंधन ओडिशा सरकार में मुर्मू को मंत्री बनाया गया। फिर केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने उन्हें झारखंड का राज्यपाल बनाया। NDA की तरफ से राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू इस समय चर्चा में बनी हुई है।
उन्होंने बुधवार को ओडिशा के मयूरभंज स्थित रायरंगपुर जगन्नाथ मंदिर में पूजा अर्चना की। इतना ही नहीं, पहले उन्होंने यहाँ मंदिर परिसर में झाड़ू लगाई, उसके बाद मत्था टेका, इसके बाद वे आदिवासी पूजा स्थल जहीरा भी पहुंची। उनकी कई तस्वीरें सामने आई है। वीडियोज और तस्वीरों में दिख रहा है कि एनडीए की तरफ से राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू ओडिशा के रायरंगपुर में स्थित शिव मंदिर में पहुंची। यहाँ उन्होंने खुद झाड़ू से मंदिर की साफ सफाई की और इसके बाद पूजा अर्चना की। एनडीए का उम्मीदवार बनाए जाने के बाद सरकार ने मुर्मू की सुरक्षा बढ़ा दी है। उन्हें जेड प्लस की सुरक्षा दी गई है। अब उनकी सुरक्षा में 24 घंटे सुरक्षाकर्मी तैनात रहेंगे। वह 2009 का साल था जब द्रौपदी की जिंदगी में पहली बार भयंकर तूफान आया। तब उनके पुत्र की रहस्यमय परिस्थितियों में मौत हो गई। वो इस सदमे से निकलने में जुटी थी, लेकिन प्रकृति शायद उनकी और परीक्षा लेने पर उतारू थी। महज 3 वर्ष बाद 2012 में सड़क हादसे के कारण उनका दूसरा पुत्र भी छीन गया। उनके पति श्यामचरण मुर्मू का कार्डियक अरेस्ट के कारण पहले ही निधन हो चुका था। द्रौपदी मुर्मू की एक विवाहित पुत्री है जो भुवनेश्वर में रहती है। अपनी उम्मीदवारी की घोषणा होने के बाद रायरंगपुर में अपने आवास पर मुर्मू ने मीडिया से कहा कि मैं आश्चर्यचकित और खुश हूँ। मयूरभंज जिले से आने वाली एक आदिवासी महिला के रूप में मैंने कभी नहीं सोचा था कि मुझे इस पद का उम्मीदवार बनाया जाएगा। पूर्व केंद्रीय मंत्री व झारखंड के हजारीबाग से भाजपा सांसद जयंत सिन्हा ने राष्ट्रपति चुनाव में विपक्ष के साझा प्रत्याशी व अपने पिता यशवंत सिन्हा को वोट देने को लेकर असमंजस खत्म कर दिया है। उनसे लगातार इस बारे में सवाल किए जा रहे थे। बढ़ती कयासबाजी को लेकर जयंत सिन्हा ने खुद ट्वीट कर अपनी बात स्पष्ट कर दी है। उन्होंने अविलंब अपनी बात साफ कर दी कि वे पिता की बजाय पार्टी को तवज्जो देंगे। बता दें कि पूर्व केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री जयंत सिन्हा बहुत सादे व स्पष्ट रूप से अपनी बात कहने वाले भाजपा नेता है। सिन्हा 2014 के लोकसभा चुनाव में इसी सीट से चुनाव जीतकर संसद पहुंचे थे। तब उन्हें मोदी सरकार में केंद्रीय मंत्री भी बनाया गया था। हालांकि 2019 में भी वह यहां से फिर जीते, लेकिन उन्हें मंत्री नहीं बनाया गया। यशवंत सिन्हा मोदी सरकार के कटु आलोचक बनकर उभरे हैं। ऐसे में जयंत सिन्हा से सवाल किया जा रहा था कि वे आगामी राष्ट्रपति चुनाव में किसे वोट देंगे। इस पर जयंत सिन्हा ने स्पष्ट किया कि वे भाजपा सांसद के नाते संवैधानिक जिम्मेदारियों को निभाएंगे। सिन्हा ने ट्वीट किया कि मैं सभी से अपील करता हूँ कि मुझे एक बेटे के तौर पर न देखे और न ही इसे पारिवारिक मुद्दा बनाए। मैं बीजेपी कार्यकर्ता हूँ और हजारीबाग से सांसद हूँ। मैं अपनी संवैधानिक जिम्मेदारी को समझता हूँ और उन्हें निभाऊंगा। दक्षिण पश्चिम मानसून ने देश के अधिकतर राज्यों में दस्तक दे दी है। पश्चिमी विक्षोभ के चलते दिल्ली, यूपी, पंजाब, हरियाणा समेत उत्तरी राज्यों में भी मौसम भीगा भीगा सा है। इसके प्रभाव से झुलसाती गर्मी से राहत मिली है। देश भर में पारा तेजी से लुढ़क गया है। दक्षिण भारत व पूर्वोत्तर के कुछ इलाकों में भारी वर्षा से जनजीवन प्रभावित हुआ है। मानसून गति पकड़ रहा है। अधिकतर राज्यों में यह दस्तक दे चुका है। कुछ राज्यों में पश्चिमी विक्षोभ व प्री मानसून के कारण भी बारिश हुई है। इससे मौसम में ठंडक आ गई है। अधिकांश राज्यों में पारा 40 डिग्री से नीचे आ गया है। हालांकि नमी बढ़ने से कई इलाकों में उमस सता रही है। मौसम विभाग के अनुसार इसी सप्ताह मानसून दिल्ली और आसपास के इलाकों में भी दस्तक दे देगा। बिहार के कई जिलों में तेज वर्षा का सिलसिला जारी रहेगा। पटना में आंधी के साथ तेज वर्षा हो सकती है। स्काईमेट के अनुसार कर्नाटक, सिक्किम, गोवा, पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों में आज भारी बारिश संभव है। वहीं छत्तीसगढ़, लक्षद्वीप, तमिलनाडु, ओडिशा, मध्य प्रदेश में हल्की से मध्यम वर्षा हो सकती है। उत्तराखंड, जम्मू और कश्मीर, तेलंगाना में भी आज बारिश की संभावना है, जबकि हिमाचल में बर्फबारी व रिमझिम वर्षा के आसार है। कल मंगलवार को हिमाचल प्रदेश के रोहतांग और लाहौल की पहाड़ियों पर बर्फबारी हुई। देश में कोरोना तेजी से अपने पैर पसार रहा है। सक्रिय मरीजों की संख्या 81,000 के पार जा चुकी है। वही संक्रमण दर में भी इजाफा दर्ज किया गया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक देश में कोरोना की संक्रमण दर अब बढ़कर 3.94% पहुंच गई है। देश में आज 12,249 नए कोरोना मरीज सामने आए हैं, जबकि मंगलवार को 9,923 मामले सामने आए थे। यह संख्या कल के मुकाबले 2,326 ज्यादा है। स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी किए गए आंकड़ों के मुताबिक पिछले 24 घंटे में 13 लोगों की कोरोना के कारण मौत हुई है। वहीं 9,862 लोगों ने कोरोना को मात दी। देश में अब 81,687 सक्रिय कोरोना मरीज है। कल की तुलना में सक्रिय कोरोना मरीजों में 2,374 का इजाफा हुआ है। राजधानी दिल्ली में बीते 24 घंटे में कोरोना के 1,383 नए मामले मिले हैं, जबकि एक मरीज की मौत हुई। नए मामलों के साथ संक्रमण दर में कमी हुई है। बीते एक दिन में ही संक्रमण दर 10.9% से नीचे लुढ़क कर 7.22% पर पहुंच गई है। राहत की बात यह भी है कि 1,162 मरीजों ने कोरोना को मात दी है।
देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना से होने वाली मौतों में सबसे ज़्यादा केरल से है। यहाँ 8 लोग कोरोना का शिकार हुए। इसके अलावा दिल्ली, जम्मू कश्मीर, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश व पश्चिम बंगाल में एक एक मौत हुई है। अफगानिस्तान और पाकिस्तान में आज सुबह आए भीषण भूकंप से भारी तबाही मची है। कम से कम 280 लोगों के मारे जाने की खबर है। तो ईंधन की बढ़ती कीमतों के खिलाफ नेपाल में भी विरोध प्रदर्शन होने लगे हैं। वहीं इजराइल में एक बार फिर से राजनीतिक भूचाल आ चुका है। यह लगभग तय हो चुका है कि पीएम नफ्ताली बेनेट की सरकार गिरने वाली है और एक बार फिर से नए सिरे से चुनाव होने हैं। इस बीच पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में महिलाओं और बच्चों के विरुद्ध बढ़ रही यौन हिंसा के बाद वहां आपातकाल की घोषणा कर दी गई है। तो उधर दुनिया के सबसे अमीर शख्स एलन मस्क की ट्रांसजेंडर बेटे ने अपने पिता से सारे रिश्ते तोड़ते हुए अपने नाम से मस्क सरनेम भी हटा दिया है। दुनिया भर की इन 5 बड़ी खबरों को विस्तार से जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। अफगानिस्तान और पाकिस्तान में आज अल सुबह आए भीषण भूकंप से भारी तबाही मची है। रिक्टर पैमाने पर 6.1 की तीव्रता वाले इस भूकंप से अफगानिस्तान में कम से कम 280 लोगों के मारे जाने की खबर है। वहीं 250 की संख्या में लोग घायल हो गए हैं। पाकिस्तान में भी अफगानिस्तान से सटे कई इलाकों में बर्बादी हुई है। अमेरिकी जियोलॉजिकल सर्वे की रिपोर्ट के मुताबिक इस भूकंप का केंद्र दक्षिणी पूर्व अफगानिस्तान के खोज शहर से 44 किलोमीटर दूर था। अफगानिस्तान की न्यूज एजेंसी ने इस भारी तबाही की सूचना दी है। एजेंसी ने बताया कि बचावकर्मी हेलीकॉप्टर से इलाके में पहुंच गए हैं। तालिबान सरकार के उप प्रवक्ता बिलाल करीमी ने कहा कि पाक्टिका प्रांत में 4 जिलों में भीषण भूकंप आया है। इसमें सैकड़ों की तादाद में लोग मारे गए हैं और दर्जनों घर तबाह हो गए हैं। हम सभी सहायता देने वाली एजेंसियों से अनुरोध करते हैं कि वे अपने दल को इलाके में भेजें ताकि और ज्यादा विनाश से बचा जा सके। पाकिस्तान में भी खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में एक व्यक्ति के मारे जाने की खबर है। बताया जा रहा है कि भूकंप से घर की छत गिर गई, जिससे इस व्यक्ति की मौत हो गई। पाकिस्तानी समयानुसार सुबह 1:54 पर यह भूकंप आया था। पाकिस्तान में पेशावर, इस्लामाबाद, लाहौर और पंजाब तथा खैबर पख्तूनख्वा प्रांत के अन्य हिस्सों और भारत तक इस जोरदार भूकंप के झटके महसूस किए गए। यूरोपीय भूकंप केंद्र का अनुमान है कि इसके झटके करीब 500 किलोमीटर के इलाके में महसूस किए गए। ईंधन की बढ़ती कीमतों के खिलाफ नेपाल में विरोध प्रदर्शन होने लगे हैं। काठमांडू में पुलिस ने राज्य के स्वामित्व वाले नेपाल ऑयल कॉरपोरेशन द्वारा ईंधन की कीमतें बढ़ाने के बाद भड़के विरोध को तीतर बितर करने के लिए आंसू गैस के गोले दागे। इस दौरान पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर लाठियां भी बरसाई, जिसमें कई छात्र घायल हो गए। पुलिस ने कई प्रदर्शनकारियों को हिरासत में भी लिया, हालांकि बाद में उन्हें छोड़ दिया गया। देश के उद्योग, वाणिज्य और आपूर्ति मंत्रालय ने इसे जायज बताते हुए कहा कि वैश्विक तेल की कीमतों में वृद्धि के कारण दाम बढ़ाया जाना जरूरी था। ईंधन की कीमतों में वृद्धि के बाद सार्वजनिक परिवहन के किराए में 7.7% की वृद्धि हुई है। देश की बढ़ती मुद्रास्फीति के बीच नेपाल के 29 मिलियन निवासी भी उच्च खाद्य और ऊर्जा की कीमतों का सामना कर रहे हैं। बता दें कि श्रीलंका और पाकिस्तान की तरह नेपाल में भी पेट्रोल और डीजल की बड़ी कीमतों को लेकर लगातार आवाजें उठ रही है। लोगों का कहना है कि देश में आवश्यक चीजों की कीमत में लगातार बढ़ोतरी होने से 2 वक्त का भोजन जुटाना मुश्किल साबित हो रहा है। राज्य के स्वामित्व वाली एकाधिकार नेपाल ऑयल कॉरपोरेशन ने कल 1 लीटर पेट्रोल और डीजल की कीमत में क्रमशः 12% और 16% की बढ़ोतरी की है। इससे नाराज होकर लोग सड़कों पर उतर आए हैं। लोगों ने सरकार से सस्ते ईंधन और खाद्य मूल्य नियंत्रण की मांग की। दरअसल रूस द्वारा यूक्रेन पर आक्रमण के बाद से वैश्विक स्तर पर पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस की कीमतों में वृद्धि हुई है। इस कारण घरेलू स्तर पर आवश्यक वस्तुओं के दाम काफी तेजी से बढ़ गए हैं और बैंक आदि भी व्यवसाय आदि के लिए जरूरी कर्ज दे पाने में भी असफल हो रहे हैं। इजराइल में एक बार फिर से राजनीतिक भूचाल आ चुका है। यह लगभग तय हो चुका है कि पीएम नफ्ताली बेनेट की सरकार गिरने वाली है और एक बार फिर से नए सिरे से चुनाव होने हैं। इजराइल बीते 3.5 साल में अपने 5वें आम चुनाव की ओर बढ़ रहा है। अब इजरायली संसद में सरकार भंग करने का बिल पेश किया जाएगा, जिसमें 25 अक्टूबर को देश में फिर से लोकसभा चुनाव करवाने की तारीख तय की जाएगी। इस पर पक्ष और विपक्ष दोनों की ही सहमति है। गठबंधन समझौते के मुताबिक इजरायल के वर्तमान विदेश मंत्री यायर लैपिड देश के अंतरिम पीएम बनने जा रहे हैं। 58 साल के लैपिड अक्टूबर में होने जा रहे आम चुनाव होने तक अंतरिम पीएम के तौर पर काम करेंगे। रिपोर्ट्स के मुताबिक इजरायली संसद में अगले सप्ताह मतदान होगा, जिसमें लैपिड पीएम का पद संभालेंगे। बेनेट ने कहा कि चुनाव शुरू करने का उनका कदम आसान नहीं लेकिन सही निर्णय था। उन्होंने कहा कि हमने सरकार को लंबे समय तक चलाने के लिए हर संभव प्रयास किया। प्रधानमंत्री बनने जा रहे यायर लैपिड ने कहा कि पिछले दिनों क्या हुआ,
आज रात क्या हो रहा है, यह इस बात का सबूत है कि इजरायली प्रणाली को एक गंभीर बदलाव और बड़ी मरम्मत की जरूरत है। उन्होंने देश को अपने निजी हित से पहले रखने के लिए बेनेट की प्रशंसा की। उन्होंने बेनेट को एक महत्वपूर्ण इजरायली नेता और बहादुर इंसान बताया। लैपिड पेशे से एक पूर्व पत्रकार रह चुके हैं। वह गठबंधन में सबसे बड़ी पार्टी का नेतृत्व करते हैं। लैपिड को किसी भी मुद्दे पर स्पष्ट रुख रखने वाला नेता माना जाता है। राजनीति के अलावा लैपिड ने 2005 में अति चर्चित टीवी श्रृंखला वॉर रूम लिख चुके हैं। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में महिलाओं और बच्चों के विरुद्ध बढ़ रही यौन हिंसा के बाद वहां आपातकाल की घोषणा कर दी गई है। पंजाब के गृह मंत्री अट्टा तरार ने कहा कि उन्हें ये करने पर मजबूर होना पड़ा क्योंकि महिलाओं और बच्चों के खिलाफ बढ़ते अपराध समाज और सरकार दोनों के लिए चिंताजनक है। उन्होंने कहा कि 4 से 5 मामले पंजाब में रोज आ रहे हैं। ऐसे में यौन हिंसा, दुर्व्यवहार और जबरदस्ती के केस निपटने के लिए ये कदम उठाया गया है। गृहमंत्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कानून मंत्री मलिक मोहम्मद की मौजूदगी में बताया कि बलात्कार और कानून व्यवस्था पर कैबिनेट समिति द्वारा सभी केसों की समीक्षा की जाएगी। ऐसी घटना पर निगरानी के लिए नागरिक संस्थाओं, महिला अधिकार संगठनों, शिक्षकों और वकीलों से परामर्श लिया जाएगा। तरार ने बच्चों के माता पिता से अपील की कि वह लोग अपने बच्चों को सुरक्षा के मायने समझाए और किशोरों को घर पर बिना किसी बड़े के अकेले न छोड़े। गृह मंत्री ने सूचित किया कि पुलिस लगातार आरोपियों को हिरासत में ले रही है। इसके अलावा हालात सुधारने के लिए उनके द्वारा एंटी रेप अभियान चलाया जा रहा है और छात्रों को स्कूल में यौन शोषण से जुड़ी जानकारी भी दिलवाई जा रही है। प्रांत मंत्री ने जानकारी दी कि रेप केसों से निपटने के लिए पंजाब की फॉरेंसिक साइंस एजेंसी ने DNA सैंपल को फास्ट ट्रैक आधार पर चेक करना शुरू कर दिया है। साथ ही तरार ने कहा कि आज ड्रग्स लेना बड़े स्कूलों में फैशन बन गया है जिसकी वजह से ऐसे अपराधों में बढ़ोतरी हो रही है। तरार ने आगे पंजाब की बिगड़ी स्थिति के लिए पाकिस्तान की पूर्व सरकार पर निशाना भी साधा। दुनिया के सबसे अमीर शख्स एलन मस्क के ट्रांसजेंडर बेटे ने अपने पिता से सारे रिश्ते तोड़ते हुए अपने नाम से मस्क सरनेम भी हटा दिया है। जेवियर मस्क के रूप में पहचाने जाने वाले एलन मस्क के बेटे ने कैलिफोर्निया के सेंटा मोनिका में दस्तावेजी प्रक्रिया पूरी करते हुए अपना नया नाम विवियाना जेन्ना विल्सन रख लिया है और लड़की बन गई है। उन्होंने अपने जेंडर आइडेंटिटी को इसका एक कारण बताया है। वही दूसरा कारण चौंकाने वाला है। उनका कहना है कि वो अब अपने बायोलॉजिकल पिता के साथ नहीं रहती है और किसी भी स्थिति में उनके साथ किसी भी प्रकार का संबंध रखने की इच्छुक नहीं है। ये भी स्पष्ट नहीं है कि एलन मस्क की $213 बिलियन की संपत्ति में से कोई हिस्सा मिलेगा या नहीं। लॉस एंजेलिस काउंटी सुपीरियर कोर्ट में दायर याचिका में उन्होंने अपना नया बर्थ सर्टिफिकेट बनवाने और नाम बदलने की बात कही है। पूर्व में इनका नाम जेवियर अलेक्जेंडर मस्क था और वह फिलहाल 18 वर्ष की है। अदालत में दायर याचिका में उसने कहा है कि उनका जेंडर वाला पहचान पुरुष की जगह स्त्री रखा जाए। कैलिफोर्निया में 18 वर्ष के बाद एज ऑफ कंसेंट होता है जहां इस तरह की चीज़ों के लिए अनुमति है। ऑनलाइन दस्तावेजों में उनके नए नाम को संशोधित कर दिया गया है। उनकी माँ जस्टिन विल्सन के साथ एलन मस्क का 2008 में ही तलाक हो चुका है। वो एक कनाडाई लेखिका है जिन्होंने 2000 में एलन मस्क से शादी की थी। याद रहे हाल ही में एलन मस्क ने अमेरिका में महिलाओं के फर्टिलिटी रेट गिरने पर चिंता जताई थी। उन्होंने कहा था कि जो जितना अमीर होता है उसके उतने कम बच्चे होते हैं। तो आज के इस खास पेशकश में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे, तब तक देखते रहिए VKB News। नमस्कार।